लालगढ़ निवासी बीएसएफ जवान राजेश का शनिवार को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। गौरतलब है कि 34 साल के राजेश बांबू पश्चिमी बंगाल में 23 मार्च को शहीद हो गए थे। शहीद की देह शुक्रवार रात को सड़क से सूरतगढ़ के सिटी थाना पहुंची। शनिवार सुबह सूरतगढ़ से उनके गांव लालगढ़िया तक 40 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा निकाल कर देह को लाया गया। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिलों में बसाए रखा। इस दौरान शहीद के नाम के नारे लगाए गए। शहीद की पत्नी और पिता ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वाहन को फूलों से सजाकर शव को ले जाया गया। वो राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव देह को पंचतत्व में विलीन किया गया। इस दौरान शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष और राज्य मंत्री डूंगर राम गैदर तथा केश कला बोर्ड अध्यक्ष महेंद्र गहलोत भी शामिल रहे। इनके अलावा सामाजिक और व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी समेत युवाओं ने शहीद को श्रद्धांजलि दी है। शहीद के चाचा मोहन बांबू ने बताया कि हादसे वाले दिन भतीजे ने अपने परिवार से फ़ोन पर बात की थी। परिवार ने बाद में फ़ोन मिलाया तो उन्हें रिसीव नहीं किया गया। बीएसएफ हेडक्वार्टर पर संपर्क किया गया तो निधन की जानकारी मिली। दो दिन से परिवार समेत गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। राजेश की मां पार्वती का भी करीब 6 महीने पहले ही निधन हो गया था। परिवार अभी इस दर्द को भुलाई नहीं था और बेटा भी देश के लिए शहीद हो गया। शहीद राजेश बांबू ने बीए के बाद देश सेवा के लिए बीएसएफ में जाने का फैसला किया। बीएसएफ में नौकरी लगने के बाद वर्ष 2013 में पश्चिमी बंगाल के गोपालपुर में पोस्टिंग हुई थी। शहीद राजेश 2 महीने पहले छुट्टी पर घर आए हुए थे। उन्होंने पिता को जल्द ही आसपास अपना ट्रांसफर करवाने की बात भी कही थी। राजेश की वर्ष 2014 में दापी देवी से शादी हो गई थी। उनके कोई संतान नहीं है। उनके परिवार में 2 भाई भी सीआरपीएफ और आईटीबीपी में हैं। शहादत की खबर मिलने पर पार्थिव देह लेने के लिए सूरतगढ़ से रवाना हुए परिवार। वहीं राजेसर थाना प्रभारी सत्यनारायण गोदारा ने बताया कि उन्हें कोई अथॉरिटी लेटर नहीं मिला, फिर भी पुलिस की मौजूदगी में राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई है। उन्होंने बताया कि केवल बीएसएफ के अधिकारी गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने ट्वीट कर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। माँ भारती के लाल ने अपने कर्तव्य पथ का निर्वहन करते हुए वीरगति को प्राप्त किया है। अपर समाचार यूट्यूब चैनल शहीद जवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करता है। वहीं जैसे ही शहीद की पार्थिव देह पैतृक गाँव पहुंची तो हर किसी की आंख नम हो गई। वहीं भारत माता जयकारों के बीच शहीद राजेश बांबू अमर रहे के नारों से आसमान गुंजायमान हो गया। और पार्थिव देह निवास स्थान पहुंची तो घर में चीख पुकार मच गई। शहीद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं सेना के अधिकारियों ने शहीद परिजनों को सांत्वना दी और उन्हें किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे छाती से लगा लेना ये धरती माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के रहने वाले बीएसएफ जवान गुरुवार को शहीद हो गए। उन्होंने शहीद दिवस के दिन शहादत का जाम पिया। वह पश्चिमी बंगाल में बीएसएफ की 75वीं बटालियन में तैनात थे। शहादत की खबर मिलने पर कोहराम मच गया। 6 महीने पहले शहीद की मां की मौत का गम परिवार अभी भुला ही नहीं था और अब बेटे की मौत से परिवार बेहाल हो गया। पिता रोते बिलखने लगे कि 2 महीने शहीद के अंतिम विदाई के दौरान शहीद परिजनों को तिरंगा भेंट किया गया तो हर किसी की आंख नम हो गई। माँ भारती की लाल की शहादत को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। आगे के अपडेट के लिए आप बने रहें अपर समाचार यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।